जस्सी जी पूछ रहे हैं, मेरे को बीए च 3 साल विच फिलासफी पोलिटिकल साइंस इलेक्टिव पंजाबी है सर, सोशल स्टडीज मेजर सब्जेक्ट लै सकदा यस, ते 6 to 10 लई जॉब लै सकदा बिल्कुल, कोई एडवाइस दो सर की कीता जाए। आपको एडवाइस की ज़रूरत है क्योंकि आप अगर कॉम्बिनेशन पहले आप बीएड कर लीजिए ऐसे, क्योंकि दो सोशल साइंस आपके पास हैं, बेशक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में भी है वो, आपको सोशल साइंस का मिल जाएगा इन दोनों के बेस पर। ये रही आपकी, 2 साल हो गए, टीचिंग ऑफ SST आपको लेना ही चाहिए और इलेक्टिव पंजाबी है साथ में, आप लीजिए SST के साथ पंजाबी। ये आपने नहीं बताया कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है कि नहीं, उसके हिसाब से मैं गाइड करता, लेकिन कोई भी की हो लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए ये ही है। आपको फर्दर गाइडेंस 2 साल के बाद ज़रूर चाहिए होगी, क्योंकि फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ी है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने जब आप अप्लाई करना चाहोगे कि ये पंजाब गवर्नमेंट, ये देख लीजिए एक बार, आपको ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, फिलॉसफी पढ़ी है, NCT के नॉर्म्स के मुताबिक 2 सोशल साइंसेज पढ़ी होनी चाहिए, आपने ये 2 पढ़ी हैं, आप एलिजिबल हो। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, उसने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी पब्लिक एड और एनवायरमेंट साइंस ही दी है, इनमें से आपको कोई 2 चूज करनी है। यहां पर क्या आपके लिए गाइडेंस की क्यों जरूरत है, आपने पूछ लिया आपका बेनिफिट क्या होगा कि फिलॉसफी यहाँ है लेकिन फिलॉसफी यहाँ मिस है, तो फिलॉसफी का आपको पंजाब गवर्नमेंट में सोशल साइंस की पोस्ट लेने के लिए फायदा नहीं होगा। आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, ये आपके लिए गुड है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नोट नीचे, गवर्नमेंट ने लिखा है बड़ा करके कि आउट ऑफ विच वन ऑफ मस्ट बी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, 2 सोशल साइंसेस चाहिए, उसमें से स्कूल सब्जेक्ट में से 1 जरूर चाहिए। आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, ये आपके लिए गुड है कि ये आपके लिए पास पॉलिटिकल साइंस है, ओके, लेकिन आप फिलॉसफी आपको फायदा नहीं देती, हालांकि मैंने भी, मेरा भी यही कॉम्बिनेशन है अभी, पंजाबी पॉलिटिकल साइंस फिलॉसफी। तो आपको गवर्नमेंट जॉब पंजाब के लिए एलिजिबल बनने के लिए आपको एडिशनल देना चाहिए, वो मेरी राय है। आपको क्वेश्चन पूछने का फायदा इतना ज्यादा हो गया कि आप बीएड करते हुए अगर सेम यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, फॉर एग्जांपल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से ही बीए की हुई है, बीएड करते हुए, ड्यूरिंग लिख लूंगा हूं, ड्यूरिंग बीएड आप कोई सब्जेक्ट का एडिशनल पेपर दे दो और चूज क्या करना चाहिए, स्कूल सब्जेक्ट करने चाहिए, हिस्ट्री कर सकते हो बेटर है, पॉलिटिकल साइंस आपके पास है, इसके अलावा जो पंजाब गवर्नमेंट ने और सब्जेक्ट दिए हैं उनमें से भी चूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री आपको चूज करना चाहिए, ज्योग्राफी मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिकल और डिफिकल्ट होंगे, इनमें से चूज हरे वालों में से कर सकते हो, हिस्ट्री बेस्ट बन रहा है, और उसके बाद सोशियोलॉजी पब्लिक एड है, तो इनमें से 3 में से मैं प्रेफर करूंगा कि क्योंकि स्कूल में जॉब के लिए स्कूल सब्जेक्ट वो देखते हैं, इनको कम देखते हैं, आप हिस्ट्री को ही प्रेफर कीजिए एडिशनल सब्जेक्ट करने के लिए ग्रेजुएशन में। फिलहाल जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ही बीएड कर रहे हो तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से ही की है तो साथ में ड्यूरिंग हो जाएगी। अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, पंजाबी यूनिवर्सिटी वाले ये हैं कि एडिशनल पेपर दूसरी यूनिवर्सिटी वालों को अलाउ कर देते हो, लेकिन आप अगर बीएड इधर से कर रहे हो, अगर आपकी ग्रेजुएशन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से है, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ग्रेजुएशन का एडिशनल करने के लिए आपको पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जाना पड़ेगा और आप की माइग्रेशन इधर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में हुई होगी, सो दैट इज़ वाई आप अकॉर्डिंगली प्रेफर कीजिए उसी यूनिवर्सिटी में बीएड कीजिए जहां आपने ग्रेजुएशन की है, और कारण क्या है कि हिस्ट्री के आप एडिशनल दे सको। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअल।